हाँ तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली खाली ऐसे कैसे खाली? अभी अभी तो मैं अपने बिल्लू निवास में आया हूँ। अरे अभी खाली करे? नहीं नहीं, ये मैं अपना बिल्लू निवास खाली नहीं करूंगा। पुष्पा जी, ए बिल्लू चुप कर। माफ कीजिएगा हसीना मैडम, बात कड़वा है लेकिन सच है। अभी मकान मालिक है, इन्हें अपना रेंट मांगने का तो हक है ना, बात है कि नहीं ना? मतलब ये भी समझना चाहिए ना कि इस महामारी में मुंह उठा के इतना बड़ा फंड मांगने आगे आएगा कहां से इतना बड़ा फंड ना? आप कहे तो दुई थो। हाँ, क्या 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 ना? मतलब नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर रईस, हम नवाब साहब से बात कर लेंगे। नहीं नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस नो मोर। क्या? नो मोर पुष्पा जी। पुष्पा जी, I mean, he's no more into this business. Officially, वो retire हो चुके हैं। तो अब जो भी संभालता है, वो मैं संभालता हूँ। Since I'm the boss. बेटा रईस, हम क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों time waste कर रही हैं आंटी? एक सेकंड, आपने आंटी बोला? आप आंटी कैसे बोल सकते हैं? आपको ये कौन से एंगल से आंटी लग रही है? पुष्पा जी, आपको कोई भी आंटी बोले ना, मैं सुन नहीं सकती। हाँ, आपने आंटी क्यों बोला? अरे संतो छोड़ो ना, अब रहने दो ना, नवाब साहब का बेटा है ना। हाँ तो आंटी, मैं ये कह रहा था कि सी आई एम नॉट लाइक माई डैड, तो मैं ये इमोशनल फूल नहीं हूँ। रेंट आपको अजीब पे करना होगा, वरना आपको ये जगह खाली करनी होगी। तो मिस्टर रईस, देखिए बात ऐसी है कि अभी जितने पैसे दिए हैं वो रख लीजिए, हम बचे हुए बैलेंस पैसे आपको बाद में दे देंगे। अरे बाद में कब देंगे आप? जब सरकार से हमें फंड मिल जाएगा तब हम आपको बचे हुए पैसे दे देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें तो हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारे पैसे मिलेंगे पूरे लीगल प्रोसीजर हो जाने के बाद। और जिसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं बेटा, महीने भी और कुछ साल भी, या फिर कभी नहीं, फिर तारीख पे तारीख 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 तारीख। बिल्लो सोच लीजिए मिस्टर रईस, टेक इट और लीव इट। क्या मुसीबत है, इतने पैसों से ईएमआई तो नहीं चुका पाऊंगा, कुछ और जुगाड़ करना होगा। अभी ये तो कबूल कर रईस, मैं इससे भी जाएगा। अब ठीक है, जितने पैसे आपने दिए मैं रख लेता हूँ, लेकिन बैलेंस अमाउंट आपको बहुत जल्दी देना होगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। क्या चल रहा है ये? हैप्पी वाला बर्थडे मुबारक हो मैडम। अच्छा, हमारा हैप्पी बर्थडे है आज? हम पैदा हो गए और हमें ही नहीं पता कि हम पैदा हो गए हैं। किसने कहा हमारा हैप्पी बर्थडे आज? वो आप सुबह जब थाने में आई थी ना, तो आपके हाथ में गिफ्ट था, तो हमें लगा कि आपका बर्थडे होगा इसीलिए। नहीं मतलब हाथ में अगर गिफ्ट है तो तुमको लगेगा कि हमारा बर्थडे होगा, मतलब कोई और त्योहार पे गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होता है क्या? हमारे हाथ में गिफ्ट था लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, हम किसी को देने के लिए लाए। समझ गए मैडम, मतलब वो गिफ्ट आप किसी को देने के लिए लाई थी। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान से केकड़े काहे हो रहे हैं। आपके लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। हमको पता है मैडम, वो गिफ्ट आप हमारे लिए लेकर आई हैं। अमाओ, किसी के लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। अच्छा नहीं मैडम, वैसे वो गिफ्ट आप लाए किसके लिए थी? नहीं नहीं, पर्सनल है तो मत बताइए। नहीं, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, वो हमें गिफ्ट लाए थे हमारी, मैं एक भग, तुमको काहे बताएं हम किसके लिए गिफ्ट लाए थे। कुछ चीजें पर्सनल नहीं भी होता है ना, फिर भी पर्सनल होता है, समझ गए?
जाइए, सब सब काम पे लगिए अपने, जाइए जाइए। इतने प्यार से गिफ्ट लाए थे हम, इन्हें देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। एक मिनट, का बड़बड़ा रहे हैं, सुनाई आ रहा है हमको? यही कह रहे थे मैडम कि इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे हम। हम सब कहाँ से बे? अम्मा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, का गिफ्ट लाए हो, दिखाओ जल्दी दिखाओ। एक मिनट मैडम, लेकर आते हैं। किसका रोशन ख्याल है ये? किसको लगा कि हमको ये देना चाहिए? ये तो मैडम आप लड़की है ना, का है तुमको शक है का? तुम जबान ना अपनी हाइट के हिसाब से चलाया करो। ए महाराज, मुंह में डालिए। ए बक, हाँ जी। तो लड़कियों को टेडी पसंद होता है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई कभी दुखी हुए तो लिपट के रो लिए, खुश हुए तो हक कर लिया, और कभी नाराजगी हो गई तो चार बातें भी सुना दी, और कभी प्यार आया तो किसी कर दी, और कभी अगर गुस्सा आया तो चाल लगा भी दिए, ऐसा करके। तो बताइए मैडम कैसा लगा आपको? हमारा भी बहुत जोर से मन कर रहा कि हम एक जोर से लगा दें। लाओ 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 लाओ, बहुत बढ़िया। जाइए अभी आप काम पे लगिए। और ये हम लगाए थे आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, ये हटा दीजिए इसको। अच्छा उसको भी हटा, ये पकड़िए। अरे आप लोग कर लीजिए, हम बहुत थक गए हैं सवेरे से काम करके। कहाँ फंस गए हम दो पालों के पीछे, जबरदस्ती हमारा जन्मदिन मना रहे, बताओ। गिफ्ट देने का भी अक्कल नहीं है। ऐसे हम आशा करते हैं कि मैडम सर को हमारा तोहफा अच्छा लगेगा और वो हमको टोपा नहीं समझेगी। ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ, आप इशारा करेंगे तब आ जाए। मैडम सर, जय जय हिंद। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम थाने में नहीं है, बैठ जाइए, अच्छी जगह है जी। और मैडम सर आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट होकर? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ प्लीज ऑर्डर कीजिए जी। कॉफी कॉफी लाइए, कॉफी ला रहे। हाँ तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम सर कि ये बताना। शुक्रिया मैम, लाऊं? बाद में। क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ बिल तो बाद में ही आता है ना? हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आदमी है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का। देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं, आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए आराम से, बेधड़क बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगे, सबसे पहले फ़ोन करेंगे, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा ज़िंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था, एक बार दो चार लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया। हम गए वहाँ पे, हमने तीन चार कंटाप लगा दिए और घूसे लात भी लगा दिए, तो एक आध का ना
हार्ट टूट गया था, उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा जरूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुंह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना, वो उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया, तो फिर ये दर्द जो है ना, वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे। बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नर्म दिल है। पता है इसमें नुकसान उस लड़के का है, क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हम मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह, ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा, हमेशा हमें माफ कर दिया। हमारी नादानियाँ, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमें, आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। मैडम काबे का लगा रखा है ये? नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे हो, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा। रईस, अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगा ना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। मैडम, आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? हम आओ टोपा लोग, जो बात करने आए वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ, आप भाई साहब नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि आप पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तोमर जी, चार्ज लगाइए। पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। जुर्माना ही तो देने आए हैं दीदी। क्या एक मिनट का चल रहा है ये सब? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए, महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह है, नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप? पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी,
छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना। नहीं, इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना मैडम सर। आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो, और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो शी इज कंप्लीटली यूजलेस, वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। क्या एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा काट देंगे, तुमको समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से, निकलिए निकलिए। क्या कर रहे हैं? संभाल सिचुएशन, संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी, सॉरी, मेरी कहने का मतलब बुरी था। सॉरी दीदी, अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। इसकी मैया कसम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, खड़े हुई खड़े हुई खड़े हुई, पैर छोड़िए हमारा, खड़े। थैंक यू दीदी। ठीक है, आप तो मर्जी रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर। दीदी वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? ओ, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए लीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा ये ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ हाँ लिख लो। ए चीते जल्दी कर, मुझे जेरॉक्स लेना है। जल्दी कैसी लगी? हाँ, सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है। मिल गया ना डोज, अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा, इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू, वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले। हाल चाल सबका पूछते हुए जाए। तो पूछ लो। कैसे है सब? जय मैडम। जय हिंद। और संतु क्या हाल है, सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम जो सच है वो बताइए ना, आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए लीजिए अब चाय, बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही हैं पुष्पा जी आपने? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती है, यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम एक चाय हम भी पियेंगे। और संतु और क्या चल रहा है बताओ, कुछ थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रहीस आया था और 6 महीने का एक साथ रैंक मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचखिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ क्यों? नहीं उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए सनसनीखेज खुलासा, पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भंडाफोड़, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा, नामी अफसर स्कैम में शामिल, देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत।
अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम, आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.